अगर 2011 में हमने देखा जिस तरीके से अन्ना आंदोलन ने आग पकड़ी थी और बिल्कुल सरकार हिल गई थी और सरकार को जाना पड़ा, इस तरह से आंदोलन होने चाहिए ना ताकि सरकार सुने। आज तो वो चीजें नहीं नजर आ, आज हमारे जैसे यूथ आप देखो यहाँ पे, मैं हजारों में से कम 800-900 लोग तो विदाउट जॉब हो गए। किसान आत्महत्या की बात कर रहे तो हमारे महाराष्ट्र के ही एक बहुत एल्डर लीडर है जो ये रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो उनके टाइम में सबसे ज्यादा आत्महत्या हो चुकी है हमारे स्टेट में। बहस देखी है जिसमें ये बात बोल रहे हैं ये किसान थोड़ी है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। भारत का आवाज उठाने के लिए सबसे पहला हम हमारे जो भारत माँ बोलते हैं, आज माँ ही सुसाइड कर रही है तो कहाँ जाएंगे? एक एक लाख रुपए हर महिला, आपको पता 16 लाख करोड़ रुपए जो है वो माफ किए गए हैं। दिखाओ सबूत, दिखाओ सबूत, दिखाओ। अभी आपकी मीडिया के थ्रू से हम लोगों को बता रहे, आज आप नहीं आगे आएंगे तो हमारे दिल की बात कौन बताएगा? मेरा नाम यश माने। सरकार क्या इस बार 400 पार कर पाएगी? मुझे लगता है करेगी, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हमारे भारत में, वो मुद्दे में भी इनका काम करना चाहिए। 400 पार तो होना ही है, क्योंकि काम तो हमारी गवर्नमेंट ने की है। किसानों का मुद्दा हमारे भारत में सबसे ज्यादा है, जो किसान लोग सुसाइड कर रहे हैं उसका तो डेटा कोई बता रहा नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। और स्पेशली मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ तो मुझे खुद को पता है किसानों का सिचुएशन कितना खराब है। तो अभी कैसा है कि जिसमें हम काम कर रहे हैं वहाँ पे किसान लोग सुसाइड कर रहे हैं, वहाँ पे 3-3 किलोमीटर दूर तक पानी लेने के लिए जा रहे हैं। बीच में एक बच्ची थी जो अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर पे गई थी, उनकी माँ 3 किलोमीटर दूर पानी लेने को गई थी, तो उसकी बच्ची को क्या लगा कि मेरी मम्मी गई खेती के पास, किसान खेती के पास। जब वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए गई तो वो धूप में एक्सपायर हो गई, क्योंकि लिए पीने के लिए पानी नहीं था ना घर पे ना बाहर, क्योंकि माँ 3-3 किलोमीटर दूर जा रही है। मैं खुद उधर काम कर रहा हूँ, 6 गांव में डेली टैंकर दे रहे। दिल्ली के एक यूट्यूब, दिल्ली के लोग बहुत दिलदार होते, बहुत बड़े होते, यहाँ के यूट्यूबर खुद मुंबई में आके काम किए, तो दिल्ली के लोगों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। आज उनके वजह से 2 गांव में पानी है। तो सबसे पहला गवर्नमेंट को हमारे किसानों के लिए काम करना चाहिए। हमारे किसान आत्महत्या कर रही है, जल योजना तो आ रही है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग अभी हमारे भारत के किसान है, जो आदिवासी लोग है वो क्या भारत के हिस्सा नहीं है? वो हमारे हिस्सा नहीं है, वो हमारे दिल के लोग नहीं है। आज उनके वजह से हमारा देश चल रहा है, आज उनका ही मुद्दा हम देश में नहीं लाएंगे तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? आज मैं उधर मैं देख रहा हूँ कि लेडीज लोग पैड्स नहीं पहन रहे, उधर पैड्स का नॉलेज नहीं है, उधर कपड़ा पहन रहे, उधर छोटे छोटे बच्चे 3-3 किलोमीटर दूर जाते पानी लेने के लिए, उधर डेली बेसिस में कोई ना कोई एक्सपायर हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में। और साथ में जवाहर मोखाड़ा मुंबई से 50 किलोमीटर दूर एक 4 साल की बच्ची एक्सपायर हुई पानी लेने के लिए, उसकी माँ के साथ गई थी। ये सिचुएशन हमारे महाराष्ट्र में, तो भारत गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट है हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं। कांग्रेस के टाइम पे भी किसान मर रहे और बीजेपी के भी टाइम पे किसान मर रहे, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। तो मेरी इच्छा है कि गवर्नमेंट जब 400 पार भी लाएगी तो किसानों के बारे में सोचो, पानी लाने के बारे में सोचो। आज ये किसान हमारे लिए नहीं रह गए तो हमारा देश और पीछे चला जाएगा, इतना मुझे बोलना है हमारे देश के वासियों। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान जो है वो खतरे में है अगर बीजेपी जीतती है तो। मुझे नहीं लगता, बहुत सारे कंपनीज भारत में आ रही है। आज आप मेरे को बताओ, आज देश में समझो लास्ट कांग्रेस के टाइम पे भी काम नहीं था और बीजेपी के टाइम पे भी काम नहीं है। खाली बोलते तो सब है, हम किसानों के लिए करेंगे, हमारे अकाउंट में 4 लाख 15 लाख आने वाला था, अभी तक किसके अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं आया। ठीक है, मैं चाहता हूँ हमारे अकाउंट में ना आए, लेकिन जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में आए, किसान लोगों के अकाउंट में आए, जिससे वो सच में जी सके। आज बोल रही है मतलब जो राहुल गांधी बोल रहे हो सकता है, लेकिन हम भरोसा बीजेपी में कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी काम कर रही है और दिल से काम कर रही है। ठीक है, काम कर रही है। देश को बदलना है तो 1 साल 2 साल नहीं लगेगा, कम से कम 50 साल लगेगा, क्योंकि गटर साफ करने को तो टाइम लगता है, गटर में कमल आता है इसलिए बीजेपी कमल है। तो ये चीज हमको सोचना है, हर पार्टी अपना हिसाब से काम कर रही है, हर पार्टी जो भी सरकार है हमारे किसानों के लिए काम करे, हमारे आदिवासी लोगों के लिए काम करे, एजुकेशन में काम करे। आज दिल्ली में मैं बहुत सारे बेघर लोगों को देखता हूँ जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल के बारे में यहाँ सब कुछ बोल रहे हैं, मुंबई से आके स्टडी कर रहे हैं, हर गली में पेड़ नहीं है, हर घर में पेड़ नहीं है, उधर पेड़ लगाना चाहिए। यमुना नदी मैंने दिल से देखा है, इतना शर्म आता है हर पार्टी के बारे में बोलते हैं, लेकिन यमुना नदी को हम भगवान का स्थान देते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तो यमुना नदी क्यों नहीं क्लीन है? आज जो डिटर्जेंट ये सब जो केमिकल दिख रहे हैं, वो एक टाइम पे नदी उधर अच्छे अच्छे मछलियां होती थी, सब कुछ होते थे, आज कुछ भी नहीं है। वहाँ के पानी हम पिएंगे तो मर जाएंगे, वहाँ के पानी लोग पीते हुए हमने देखा है, तो गवर्नमेंट उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है? आज मैंग्रोव कट रहे हैं, आज मैंग्रोव के वजह से आज मुंबई भारत डूबने के चांसेस है, ग्लेशियर्स कम हो रहे, इसके बारे में गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही? खाली सरकार सरकार सरकार, आज एजुकेशन सेक्टर में हमारे लोग पीछे है, हम किसान लोग हमारे पीछे हो रहे, उसके बारे में गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही? तो बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, काम करना जरूरी। 400 पार आएंगे तो कसम ये भी दो, हमारे जो आदिवासी का हम लोगों के साइड रखा है तो उनके लिए काम करेंगे, हमारे किसानों के वो साइड में रखा है उनके लिए काम करेंगे, हमारे किसान जो
आत्महत्या कर रहे, सुसाइड कर रहे, उनके लिए काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज किसान लोग हमारे देश में नहीं रहेंगे तो हमारा भारत सबसे पीछे होगा, ये मेरा जवान है। जो कुछ आप बोल रहे हैं ना उसके लिए जिम्मेवार सरकार चाहिए। और इतने बड़े इश्यू जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें आप अपने प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य देख लीजिए क्या है, और दूसरी बात है आदिवासियों के लिए काम, तो आदिवासी के मुद्दे कहाँ आ रहे हैं मीडिया के अंदर? अगर 2011 में हमने देखा जिस तरीके से अन्ना आंदोलन ने आग पकड़ी थी और बिल्कुल सरकार हिल गई थी और सरकार को जाना पड़ा, इस तरह से आंदोलन होने चाहिए ना ताकि सरकार सुने। आज तो वो चीजें नहीं नजर आई हैं। और ऐसे हम बोल रहे हैं कि भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कहाँ अच्छा काम कर रही है? मुझे हर तरह के आंदोलन बताओ, कांग्रेस के टाइम पे भी किसान आत्महत्या कर रहे थे डेटा, और अभी भी कर रहे हैं। पर कांग्रेस के टाइम एजुकेशन किसान आत्महत्या करते किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं 10-12 साल से। उधर के लोगों से मैं खुद बैठ के खाना खा रहा हूँ, मैं खुद बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की नदी ना कांग्रेस के टाइम पे साफ हुई है, ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे साफ हुई, ना बीजेपी के टाइम साफ हुई। बीजेपी से सवाल कोई नहीं करता ना, मेरा ये कहने का मतलब है बीजेपी से सवाल कोई नहीं कर रहा, कांग्रेस और आपसे सवाल किए जाते हैं। तो वो सवाल जब आप सवाल करोगे तो बात बनेगी ना, जब आपके पास सवाल नहीं होंगे, जब आपके सवाल दबा दिए जाएंगे, जब ऐसे आप बोल रहे हो कि आपके जो मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो आपके जिस मुद्दों की आप बात कर रहे हो, वो अगर मेन मीडिया में नहीं आएंगे, लोगों की नजर में नहीं आएंगे, तो उसमें सोचे उसमें दिखाएगा कौन, मतलब उसमें सोचेगा कौन, उसमें काम कौन करेगा? मीडिया को बॉलीवुड दिखाना सबसे पहले। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जल योजना जो है, जल योजना कांग्रेस के नाम पे नहीं आया, वो आया बीजेपी सरकार में आया है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसका, ठीक है। मैं कोई पॉलिटिकल पॉलिटिशियन नहीं होना, मुझे कोई बनना है पॉलिटिशियन, मैं हमारे लोगों के लिए काम कर रहा, हमारे किसान और मेरे आदिवासी है, यहाँ पे भी कोई आदिवासी रहेगा तो मेरे, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। पहली बात यह है, जल योजना तो हो रहा है लेकिन नीचे के लोग पैसा खा रहे हैं। अब करे तो क्या करे, काम कैसा होगा? ठीक है, अभी इसके बाद भी कांग्रेस भी आएगी, आम आदमी भी आएगी। आम आदमी को जो इधर की जो भी पार्टी है, यहाँ ना झाड़ के बारे में सोच रहे, ना यमुना का मुद्दा निकाल रहे, यहाँ पे जो बेघर लोग रस्ते में सीपी में पैसा मांग रहे, दिल्ली में पैसा मांग रहे, उसके एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं दिल्ली की गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट बोल रही है? उनको पढ़ा के इनको वेल सेट करना चाहिए, इनका डॉक्यूमेंट नहीं तो एफिडेविट में डॉक्यूमेंट करो। जो बाहर के कंट्री के लोग यहाँ पे स्टेबल किए उनके बारे में सोचो कि आज हमारे देश पीछे क्यों जा रहा है। एजुकेशन वीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे देश में। आज हमारे जैसे यूथ आप देखो, यहाँ पे मैं हजारों में से कम 800-900 लोग तो विदाउट जॉब हो गए। वो आप आगे अगर जॉब होती है तो यहाँ पर हम इकट्ठे क्यों होते इतने सारे लोग? पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा। हम अभी बात कर रहे हैं बीजेपी का, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस का, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। हमको बात किसका करना चाहिए जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं? हमें बात कैसा करना चाहिए कि पॉल्यूशन कैसा ठीक हो? हम बात इस पे कर सकते हैं कि पानी कैसा साफ हो? हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे यूथ को हम कैसे आगे बढ़ाए? तो इस पे बात होगी तो मुझे लगता है कि देश बहुत आगे बढ़ेगा। यूथ को चेंज होना चाहिए, और यूथ को नहीं, मैं भी मानता हूँ कि इसमें बात करना फायदा नहीं, लेकिन आवाज तो उठाने वाला कोई चाहिए ना। न्यूज पे दिखा देंगे, उससे सिर्फ फायदा उससे नहीं हो रहा ना। दिखाते सर, अगर न्यूज पे दिखाएं, अगर खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाएं, तो ये इश्यू बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? ये इश्यू बने हैं, इससे सरकारें हिली हैं, सरकारें, जो सरकार इतनी मजबूत टिकी हुई थी वो सरकार टूटी है, उसके बदले में एक मजबूत सरकार आई है। लेकिन उस मजबूत सरकार ने क्या किया, वो उसने कितनी जवाब दे दी है, ये सवाल है। इस सवाल को अगर आप नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा ना? आप देख रहे हो, इसलिए तो मीडिया चल रहा है। अगर कल को अगर आप लोग अगर बोल रहे हो कि मीडिया, ये मेरा इंटरेस्टेड चैनल है, मैं अगर एक न्यूज देखना चाहता हूँ तो देखता हूँ। एक न्यूज वो होती है जो सबको दिखाने, ठीक है, मैं अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आवाज उठाने वाले होते, ऐसे नहीं कि नहीं होते, बट जो आप बोल रहे हो ना कि जैसे किसान आत्महत्या, चलो मैं एक बात बताता हूँ, किसान आत्महत्या की बात है, चलो आपने तो आवाज उठाया, मैं तो अननोन इंसान हूँ। हमारे इधर तो महाराष्ट्र में तो मैं तो बोलता हूँ न्यूज पे डालो किसान आत्महत्या करे तो न्यूज वाले तो पैसा मांगते, उसके पीछे क्या करेंगे मुद्दा? अभी समझो ये बात जो कर रहे हो सच कर रहे, क्योंकि यूथ का किसान आत्महत्या की बात कर रहे, तो हमारे महाराष्ट्र के ही एक बहुत एल्डर लीडर है जो ये रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो उनके टाइम में सबसे ज्यादा आत्महत्या हो चुकी है हमारे स्टेट में, ठीक है। चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो उनके टाइम में सबसे ज्यादा आत्महत्या हमारे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में हो चुकी है। लातूर नानेट मराठवाड़ा में, मैं आपको बोलता 2021 में एक मतलब चल के 1000 किलोमीटर दूर आए थे मुंबई में पानी के मुद्दे के लिए, उनको पानी का मुद्दा सुना नहीं था तो उनने घास डाल के आग लगाई थी। सिचुएशन कांग्रेस के टाइम पे था, इसमें मैंने खुद देखा, आपको तो पता है मुंबई से आए थे जब, अभी भी किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को किसको कुछ पता नहीं, तो हमको तो लाना है। अब मीडिया वाले नहीं बता रहे तो आप तो आगे आ रहे हो ना। मैं अभी बताता हूँ, आप जो बोल रहे थे ना मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीज नहीं दिखाती, ये चीज नहीं दिखाती, हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट में महाराष्ट्र को जो मराठवाड़ा जो ब्लॉक प्रोन एरिया है, हाँ, वहाँ पे पाइपलाइन का प्लान शुरू किया था, ठीक है, तो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया था, बाद में जो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी उसके बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट होल्ड कर दिया था।
तो वो चीज दिक्कत नहीं है, वो जो काम की चीज है चालू हो गया ना, वापस काम शुरू हो गया है, काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन कैसा हो जाता है ऊपर के लगता है उसके टाइम होने एकदम ऐसे नहीं कि आज बने पाइप खड़ा कर दिए, कैसा है काम तो हो रहा है लेकिन कैसा होता है ऊपर के लेवल से काम होता है, समझो दिल्ली से पास हो गया, नीचे के लोग जो पैसा खाते हैं ना उसके वजह से काम खराब होता है, फिर वो केजरीवाल सरकार भी काम करे तो नीचे लोग के वजह से तो प्रॉब्लम होता है ना हर किसी में। आज हमारे दिल्ली में भी तुमको मैं यमुना का मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया है, झाड़नी लग रहा है इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, तो हमको उसके ऊपर काम करना जरूरी है। एजुकेशन क्यों हमारे इंडिया में पीछे, हमारे इंडिया भोली, हमारे इंडिया में कुछ भी मतलब इंडिया के लोग भोले, हमारे इंडिया के लोगों के बारे में कुछ भी बोलोगे इंडिया मतलब हाई बोलेगी, हमको ये देखना कि सॉल्यूशन कैसा है, यूथ कैसे आगे बढ़े, झाड़ कैसे लगा, एनवायरमेंट कैसा ठीक हो, जो वाटर पोल्यूशन है वो कैसा ठीक हो। दिल्ली में तो बड़े बड़े मसले, आज यहाँ पे स्पैरो नहीं दिख रहे, 5G टावर लगे हुए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ह्यूमन ही है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इस पर आवाज उठाना जरूरी है। अभी आपकी मीडिया के थ्रू से हम लोगों को बता रहे, आज आप नहीं आगे आएंगे तो हमारे दिल की बात कौन बताएगा ना, आज तक एबीपी वाले थोड़ी आने वाले यहाँ पे बताने के लिए, आएंगे तो बड़े यूट्यूब से तो बता रहे कोई भी चैनल उसमें सिलेक्टेड हो, देखो यूट्यूब हो कुछ भी हो, मैं ना इनको जानता हूँ ना ये मुझे जानते हैं, लेकिन मुद्दा अच्छा ले लिए, आपकी बात सही है आपके जगह पे तो हमारी भी बात हमारे जगह पे सही है, किसान सुसाइड उस टाइम पे भी करेगी, कोई भी सरकार आएगी उस टाइम पे भी करने वाली जब तक पानी वहां पे नहीं आएगा। ये भारत का आवाज उठाने के लिए सबसे पहला हम हमारे जो भारत माँ बोलते हैं, आज माँ ही सुसाइड कर रही है तो कहाँ जाएंगे, बरोबर किसान भी तो एक औरत है, हमारे घर पे भी औरत माँ है, आज मेरी माँ सुसाइड कर ले तो भारत माँ की हिस्सा है ना, आज हम भारत में काम कर रहे हैं, रस्ते में फ्लैग गिर रहे, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, फ्लैग भी पैर के नीचे आते हैं, क्लियर बात है, तो इस पे आवाज उठाना जरूरी है। किसान की जो बात कर रहे थे, किसान आंदोलन हुआ उस टाइम पे बीजेपी ने सुन के वापस से वो जो उनके ये थे नहीं अभी किसान आंदोलन के जो एमएसपी के कानून थे वो वापस ले लिए, आप बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे, वो तो दिन रात न्यूज में वही चल रहा था किसान आंदोलन का, जिस टाइम पे किसान आंदोलन चल रहा था वो किस किस में मतलब मकसद से चल रहा था, वो तो ये बोल रहे हैं कि आतंकवादी थे, हमने तो यहाँ पर एक बहस देखी है जिसमें ये बात बोल रहे हैं ये किसान थोड़ी है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो और साफ बात है कि आप रोक कौन रहा था कि बीच में बीजेपी उसी बात को ज्यादा फैलाया जाता है, उसी बात ये साफ दिल से काम कर रहे हैं, लेकिन खराब करने वाले हम जनता ही है, पहली बात यही है, हमको ही गलत बोलना है, फिर कोई सीएमओ पीएमओ काम अपने 100% करते ही है, एजुकेशन सेक्टर में दिल्ली का नाम बहुत अच्छा है जो मैंने मुंबई में सुना है। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा सर, आपको बता देता हूँ, आप जो आप बोल रहे हो देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सर एम्प्लॉयमेंट का रूल ऐसा है जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना रेट से एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं बढ़ सकता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं देती, मैं एजुकेटेड हमारे पास सर, मैं डॉक्टर सुनो, जब 2014 में भाषण दिए जा रहे थे तो उसको में एक शब्द था जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा हाथ है काम करने के लिए, ठीक है, अगर हम उन हाथों को यूज नहीं करेंगे तो वो आपके देश में बर्बादी लाएंगे, बिल्कुल सबको, चाइना में भी यही प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया, और आज की बात मैं आपको और बता दूं, 2007 का साल था जिसमें हमने इस बात को मान लिया गया कि उस साल सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे, उसके बाद बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो रिड्यूसिंग हो रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, और 2048 में जो बच्चे पैदा हुए 18 साल के, तो आज वो जॉब मांग रहे हैं, ठीक है, इधर साथ वाले आज 2007 के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए, उसके बाद माइनस में बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब माइनस में नहीं हुए, लेकिन आज 2 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, आज 10 साल के बाद वो 1.5 करोड़ पे आ गए। देखो एक ही चीज बताओ, हम खालिस्तानी की बात देश में सबसे मतलब पूरी विश्व में, मेरे को बताओ हम हमारे देश क्या देख रहे हैं, एजुकेशन के बारे में नहीं पूछ रहे, फिर मुद्दा क्या निकला खालिस्तानी इंसान, अरे हम इंसान है, हम इंसान को आगे बढ़ के काम करना है, हमारे इंसानों के बारे में सोचना है, और हम खालिस्तानी हो गए, ये इंसानियत का कुछ काम की बात करेंगे तो अच्छा है, हम जातिवादी को लाएंगे तो हमारे इंडिया कभी नहीं आगे बढ़ने वाला। कहना चाहता हूँ बैंगलोर में पानी नहीं है, अब राजस्थान से थोड़ा मैं बता रहा हूँ न्यूज है, इतना बुरा हाल नहीं है, जिनके पास अच्छे साधन है उनके पास देखो, पहली बात है ग्राउंड वाटर खत्म हो इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, महाराष्ट्र राजस्थान से खराब चीज ज्यादा हो रहा है, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र बैंगलोर इसका मुद्दा कोई नहीं उठा रहा, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया, बोरिंग मार 100 बोरिंग मारे तो 10 बोरिंग क्लियर आ रहा है, सोचो कि क्या सिचुएशन है हमारे भारत की, हम एक दूसरे के पार्टी के बारे में सोचेंगे, हम कांग्रेस कौन काम करेगा हमारे लोगों के लिए,
जो रस्ते में लोग सो रहे उसको कहां से हम जॉब दे, कैसा क्या चेंजेस करके उसके बारे में सोचते हो ना। शेल्टर में ना बाहर के कंट्री क्या करते, बेघर लोगों को शेल्टर में लाते, ये काम होना जरूरी है। यही तो सर, यही तो मैनिफेस्टो में लिखी जाती है, यही बातें तो लिखी जाती है, इसी के तो सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जब सरकार आपके जवाब सवालों के जवाब देना बंद कर देगी तो आप उस सरकार पर फिर भी विश्वास करोगे, तो ये बड़ी अजीब बात है ना। हम अभी यूथ है, विश्वास करेंगे हम किस पे? हमारे यूथ गलत बोलेंगे तो हमको अरेस्ट कर लेंगे। सबसे गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? ठीक है, तो हम कोई पार्टी नहीं, मैं ये चाहता हूँ कोई भी पार्टी की इच्छा इधर आने के लिए आओ, लेकिन हमारे जो दिल्ली के लोग हैं, कहने का मतलब हमारे आज की प्रेजेंट पार्टी जो है, कोई पार्टी मतलब इसी के तो बोलते ना कोई भी पार्टी, तो प्रेजेंट कहने का मतलब है। एक मिनट सर, आपको विश्वास करने की बात है, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप बताना आप मेरे विश्वास लोग से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप किस पे विश्वास कर रहे हो? आप नाम बताओ किस पे विश्वास कर रहे हैं? नहीं करेंगे बात उनसे, नहीं बात करेंगे उनसे, वो किसी क्यों तो बात नहीं करेंगे। विश्वास मत करो, हमें सीधी बताओ, अभी मैंने वेस्टो बोला है कि 1,00,000 रुपए हर महिला हो देंगे, कहाँ से देगा कौन? 1,00,000 रुपए हर महिला हो कहाँ से देगा राहुल गांधी? आपको पता 16,00,000 करोड़ रुपए जो है वो माफ किए गए हैं, कितने माफ कर दिए? कहाँ दिखाओ सबूत, दिखाओ सबूत, दिखाओ आप मेरे को। एजुकेशन में बात करो ना, भारत में हमारे देश कब आगे बढ़ेगा? पढ़ाई लिखाई से तो आगे बढ़ेगा। हम बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस करते बैठेंगे तो हम रस्ते में हमेशा रस्ते रहेंगे।